एक ये अनूठा कार्य किया जा रहा है, पूरे भारत का माहौल बिल्कुल राममय हो रहा है और हमें इतना बड़ा, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये मौका मिला 505 साल की अवधि के बाद श्री राम प्रभु का जो मंदिर स्थापित हो रहा है उसमें हमें कुछ करने को श्रम मिला या थोड़ा सा भी देन का वो रहा। इसके अलावा कार्यक्रम की जानकारी सुरेश जी देंगे। धर्म यात्रा महासंघ, विश्व हिंदू परिषद, श्री श्याम भजन सिंधा सेवा परिवार के तत्वाधान में 2100 माता सीता की रसोई के लिए तेल के पीपे शोभा यात्रा के साथ गंगा माता का मंदिर स्टेशन रोड ठीक 12:15 बजे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजन लाल जी शर्मा के द्वारा, राज्यपाल महोदय श्री कलराज जी मिश्र, मंदिरों के संत और महंत के सानिध्य में हरी झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना किया जाएगा। इस यात्रा के दौरान हाथी घोड़े ऊंट बग्गी विशेष रूप से जयपुर महानगर में जितने भी मंदिर है उनके सभी संत और महंत बग्गियों में विराजमान होंगे। छोटी चौपड़ सीताराम जी के मंदिर विशेष रूप से राम स्वरूप की झांकी, ऐसी प्रदर्शनी, ऐसा संचालन होगा कि मानो अयोध्या का राम मंदिर हमारे साथ चल रहा है। इस यात्रा के दौरान चांदपोल बाजार, त्रिपोलिया बाजार, बड़ी चौपड़, रामगंज बाजार, रामगंज चौपड़ और गलता गेट जाकर ये शोभा यात्रा समाप्त होगी। और जैसे ये समाप्त होगी, इस समाप्ति से पहले बीच बीच में हमारे डिप्टी सीएम कुमारी दिया कुमारी जी, हमारे सांसद रामचंद्र जी बोरा, हमारे जो भी एमएलए साहिबा हैं वो सभी, डिप्टी सीएम प्रेम जी बैरवा, यहाँ तक कि हमारे जो दो विधायक हैं जो मुस्लिम समाज के हैं उन्होंने भी अपनी स्वीकृति दी है इस यात्रा में शामिल होने के लिए। सौभाग्य की बात है, धर्म व्यापार उद्योग समाज राजनीति स्कूल कॉलेज विद्यार्थीगण और रास्ते भर में फूलों की बारिश, आरतियां, प्रसाद का वितरण, ये सभी क्रम से चलते रहेंगे। ऐसा लगेगा 22 तारीख को सुबह 12:15 बजे कि आज राममय जयपुर हो गया है और प्रत्येक घर घर से दुकान दुकान से लोग आरती उतारने के लिए राम जी की तैयार है। ये संदेश देने के लिए हम आ तो नहीं सकेंगे लेकिन मानो हम आने से कम भी नहीं है, इस यात्रा में शामिल होगा।